बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्ध था जो शिवजी का बड़ा भक्त था। उसे ईश्वर से यह प्रार्थना करते 25 वर्ष हो गए थे कि उसे आराम और सुख से रहने के लिए काफी धन मिल जाए। वह बड़ी कर्तव्य भावना से प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर जाता। वहां वह चुपचाप प्रार्थना करता, फिर मंदिर की 100 परिक्रमा करता। इसके बाद मूर्ति के आगे प्रणाम करता और घर लौटता। हालांकि वह ऐसा पिछले 25 वर्ष से कर रहा था, लेकिन उसके धनी होने के कोई चिन्ह अभी भी दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु उसका ईश्वर पर विश्वास फिर भी अटल था। उसे पूरा भरोसा था कि शिवजी भगवान उसे अवश्य एक दिन धनी बना देंगे। बड़े धैर्य से वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। बेचारा बूढ़ा होता जा रहा था। उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा न था। दिन में 2 बार मंदिर की 100 परिक्रमा करना उसे काफी थका देता था। यहाँ तक कि उसे चलने के लिए छड़ी की सहायता लेनी पड़ती थी। स्वर्गण में बैठे शिवजी भगवान ने उसकी पुकार सुनकर भी उसकी सहायता के लिए कुछ न किया। लेकिन उनकी पत्नी पार्वती जी को गरीब पर बड़ी दया आई। एक दिन उन्होंने देखा कि मंदिर की परिक्रमा करते करते वह गिरने वाला ही था। उन्होंने सोचा कि इस गरीब आदमी के बारे में उन्हें अपने पति से बात करनी चाहिए। प्रभु पार्वती शिवजी से बोली, आप अपने भक्त वृद्ध के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? वह इतने समय से आपकी आराधना कर रहा है। क्यों? शिवजी ने पूछा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं उससे सख्ती कर रहा हूँ? उसकी ओर देखो, पार्वती ने उत्तर दिया, वह पिछले 25 वर्ष से तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा है। आपने उसके लिए क्या किया है? अब वह वृद्ध हो गया है और अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता। आप उसका बाकी जीवन कुछ आसान क्यों नहीं कर देते? शिवजी पार्वती की ओर देखकर मुस्कराए। क्या तुम मुझे पत्थर दिल समझती हो? वह बोले, सोचो, यदि वह धन का उपयोग कर सकता तो मैं उसे धन देने से इनकार करता। धन का उपयोग वह क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने पूछा। मैं आपकी बात नहीं समझी। उसके भाग्य में धन है ही नहीं, शिवजी बोले। भाग्य, यह सब फिजूल बातें हैं, पार्वती ने उत्तर दिया। भला यदि आदमी के पास धन हो तो वह उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? मैं यह सब नहीं मानती। अच्छा, शिवजी बोले, वृद्ध को मैं सोने से भरा हुआ बर्तन दूंगा, फिर देखते हैं कि उसे लेकर वह उसका ठीक उपयोग करता है या नहीं। चलो मेरे साथ, चलो उस मंदिर में चले जहां वह पूजा करने आता है। भगवान शिव और पार्वती पृथ्वी पर आ गए और उस मंदिर में जा पहुंचे। देखो, शिवजी बोले, वह आंगन में अकेला है और मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। यह सोने से भरा बर्तन में उसके आगे रख देता हूँ कि उसे आसानी से मिल जाए। सोने से भरा हुआ बर्तन भगवान शिव ने उस आदमी के रास्ते में ऐसे रख दिया कि वह उसे अवश्य ही दिख जाए। थोड़ी दूरी पर शिवजी और पार्वती देखने लगे। वृद्ध चलता गया। भगवान शिव, उसने प्रार्थना की, मुझे कितनी देर और यह दुखी जीवन भुगतना पड़ेगा? इतने लंबे समय से मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ,
परंतु तुमने मेरी सहायता नहीं की। फिर भी तुम्हारी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि अपना काम तो कर सकता हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इस वृद्ध अवस्था में भी आंखें ठीक होने से खूब अच्छा बुन लेता हूँ। तब उसके मन में एक बड़ी डरावनी बात आई। विचार इतना भयानक था कि वह एक क्षण के लिए मूर्तिवत खड़ा रह गया। यदि कहीं मेरी आंखों की ज्योति चली जाए तो, उसने सोचा, मेरा क्या होगा? मैं अपनी जीविका कैसे कमाऊंगा? मंदिर कैसे आऊंगा? मैं कपड़े न भी बुन सकूं, लेकिन मंदिर में प्रार्थना करने तो अवश्य आऊंगा। लेकिन क्या मैं मंदिर की परिक्रमा कर सकूंगा? शायद मैं कर सकूंगा। अच्छा, कोशिश करके देखूं। मैं इस तरह चल लूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चलता रहा। वह आंखें बंद करके ही चलता गया और सोने के भरे हुए बर्तन के पास से गुजर गया। उसने जब आंखें खोली तो मुस्कराया। हाँ, वह बोला, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं अंधा भी हो जाऊं तो भी मंदिर की परिक्रमा तो कर ही सकता हूँ। इस प्रकार उसने सोने से भरा बर्तन न देखा और वह घर चला गया। शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। अब बताओ, मैंने कहा नहीं था? वह बोले कि इसके भाग्य में धनी होना नहीं लिखा है। आप क्या उसकी किसी तरह सहायता नहीं कर सकते? पार्वती जी ने पूछा। हाँ, मैं उसके लिए यह कर सकता हूँ, शिवजी ने उत्तर दिया। अब उसका धन का आकर्षण और उसमें दिलचस्पी समाप्त हो जाएगी और वह आनंद से रहेगा। शिवजी और पार्वती सोने से भरा बर्तन लेकर घर लौट गए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।